किसी की हिम्मत किनारे है ये हटा देगा यहाँ से? का कोई नहीं हटा पाएगा, है ना? सरकार है, अब रिटायर हो गए हमारे। क्यों छोड़ो यहाँ कपड़े? पानी की इतनी कमी है अभी, और तुम लोग इतना गंदगी मचा रहे हो यहाँ पर। गंदगी मत करना, ये पानी पीने के लिए है, पीने का पानी है। ये देखो, ये लोग देखो, ये देखो भाई, ये लोग नहा रहे हैं यहाँ पर। और देखो बाबा जी भी नहा रहे हैं भाई वहाँ पर, देखो वो देखो। वही तो कह रहा हूँ, किसी की हिम्मत नहीं रही, हटा पाएगा ना? लोग ऐसे कह रहे हैं कमेंट में, कह रहे किसी की हिम्मत नहीं भाई ये कॉलोनी हटाने की। कितना हो रहा है फिर? गर्म गर्म तो बहुत है यार। नहा लो फिर, पानी यहीं पर है, बाल्टी से ना ना निकालो, हम नहाते घर रहो। पे नल पे हैं। अभी मैं इस साइड को आ चुका हूँ, थोड़ा सा इधर को आ गया हूँ, बगल वाली गली में। तो यहाँ से जरा गोलाकार क्षेत्र दिखा देते हैं, वो सामने है मंदिर, वो देख रहे हैं मंदिर है, उसके बगल में एक मस्जिद भी है, और वो है गोलापार जाने का पुल, आप देख पा रहे होंगे। और यहाँ का क्षेत्र ये देखिए, ये देखो पूरा यहाँ पर इस तरीके से झुग्गियाँ बनी हुई हैं, और पक्के घर भी हैं और कच्चे घर भी हैं। देखो ये है भाई नज़ारा, यहाँ पर लोगों ने कैसे कैसे सीढ़ियाँ लगा रखी। देखो ये पक्का घर, एकदम 2 मंजिला 3 मंजिला। और ये साइड का एरिया देखिए, ये जो घर आप देख रहे हैं ये पीछे, ये सारा रेलवे का है भाई, रेलवे का ऑफिस है, और काम करने का जो भी स्टोर रूम वगैरह सारा कुछ है। जो जर्जर हाल में ये बिल्डिंग दिख रही है, और उसके बगल में आप नहर देख रहे होंगे, एकदम साफ सुथरी नहर है। ये जैसे जैसे नीचे जाती है तो ये गंदा होते जाता है, इसमें ये लोग नहाते हैं, कपड़े भी इसी में धोते हैं ये लोग। ये देख रहे हो आप, वो सामने नहा रहे हैं, कुछ बच्चे लोग नहा रहे हैं, वो मैं दिखा रहा हूँ, देखो महिलाएं भी नहा रही हैं, कुछ बच्चे भी नहा रहे हैं, ऐसे नहाते हैं इस नहर में, और इस पानी को दूषित करते हैं। ये पीने का पानी है, पूरे हल्द्वानी में यह पानी लगभग 80% हल्द्वानी में यह पानी जाता है, और ये फिल्टर होके फिर यहाँ पर घरों को यह पानी जाता है। तो यार आपने कभी सोचा है, ये लोग इतनी गंदी तरीके से यहाँ पर नहा रहे हैं, मल मूत्र भी उसी में करते होंगे, और कपड़े धोते हैं, सरफ का पानी भी इसी में रहता है। मैं जरा आगे चल के दिखाता हूँ, यहाँ पर कुछ लोग कपड़े भी धो रहे हैं और इसमें गंदगी फैला रहे हैं, वो सारा कुछ मैं दिखाता हूँ आपको। और नीचे का क्षेत्र ये देखिए, ये तरीके से है यहाँ पर, ये लोगों ने ऐसे घर बना रखे हैं। ये देखो पूरी झुग्गी झोपड़ियाँ भी हैं, और पक्के घर तब्दील हो रहे हैं भाई, दिन प्रतिदिन यहाँ पर तब्दील हो रहे हैं। ये देख रहे हो, यहाँ पर भी बने किसी की जगह होगी भाई, कोई आएगा उसको देंगे नहीं, ये समझ रहे हो। और ये सामने काठगोदाम का रेलवे स्टेशन आप देख रहे होंगे, ट्रेन खड़ी है वहाँ पर, देखो ट्रेन खड़ी है वहां पर, ये नजारे हैं यहाँ। और आगे दिखाता हूँ मैं यहाँ पर, और यहाँ पर ये लोग क्या क्या कर रहे हैं। देखो ये घर और है, ये देख रहे हैं आप, पूरा है खतरे में बना हुआ है घर है ये, खतरे में। ये देखो ये भी है, सीमेंट वीमेंट लगा के, पथरा पथरा लगा के, और आगे नारे हैं बच्चे। और दिखाता हूँ मैं आपको यार एक चीज और बताता हूँ, यहाँ पर जो गोला नदी है अमृतपुर में, कुछ दिन पहले पुलिस ने काफी अच्छा अभियान चलाया था कि यहाँ पर बिल्कुल भी कोई नहाएगा नहीं, कितने लोग यहाँ पर डूब के जिंदगी गंवा चुके हैं ये पानी में, अमृतपुर में। ये ऊपर ऊपर को आप अगर जाएंगे तो इसका पानी ना काफी गहरा है, ऊपर ऊपर को, नीचे नीचे को थोड़ा सूख जाता है, तो यहाँ पर सख्त मना है, फिर भी ये लोग यहाँ पर नहा रहे हैं, गंदगी फैला रहे हैं। इधर का क्षेत्र मैं दिखा देता हूँ, देखो लेंटर क्रैक भी हो रहा है, देख रहे हो ये झुकने की वजह से लेंटर क्रैक हो रहा है, फिर भी नीचे तक मकान बनाया है। देखो ये देखो, यहाँ से तो डर लग रहा है भाई, देखो ये देखो कैसा मक्का, ऐसे रह रहे होंगे यार ये लोग, ये देख रहे हो खतरा है भाई, कभी भी पलट सकता है, और पक्के घर है ये देख रहे हो। और सामने का नजारा देखो आप, वहां से काम चल रहा है, नहर जो ब्लॉक होके से टूट गई थी वो बन रहा है वहां पर। और ये पीछे आप देख रहे होंगे ये साइड का काठगोदाम का रेलवे स्टेशन का नजारा, और यहीं पर ये बच्चे लोग नहा रहे हैं, उनको भी दिखाता हूँ मैं, कपड़े धो रहे हैं यहाँ पर। यार यहाँ पर भी चलान हो इनका, है ना, इनके चलान हो, सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए यहाँ पर। इस वीडियो के माध्यम से ज्यादा वीडियो को शेयर करो, और यह प्रशासन तक पहुंचे, और यहाँ पर ये लोगों के चलान हो, सख्त सख्त चलान हो, और इनको सख्त हिदायत दी जाए। यहाँ पर इस तरीके से ये पानी को दूषित कर रहे हैं, देखो ये देखो, ये दिखा रहा हूँ मैं आपको। और ये लोग जूते चप्पल गंदगी वगैरह यहाँ पर इस पानी में करते हैं, और यह पानी ही हल्द्वानी का जनता को पिलाया जाता है। देखो पीने का पानी है भाई ये, ये देख रहे हो, ये देखो इतने लोग यहाँ पर नहा रहे हैं, इतनी गंदगी कर रहे हैं लोग, ये देख रहे हो आप। और आगे आगे मैं जरा आपको दिखा देता हूँ, जूम करके दिखाता हूँ, वहाँ कोने में एक महिला है, वो कपड़े धो रही है, देखो वो देखो, मैं वहां चल के भी आपको बताऊंगा कि भाई नहर में क्यों कपड़े धो रही है, है ना, पीने का पानी है। ये देखो ये लोग देखो, ये देखो भाई ये लोग नहा रहे हैं यहाँ पर। भाई घर पे पानी नहीं आ रहा है क्या? हाँ देखो बाबा जी भी नहा रहे हैं भाई वहां पर, देखो वो देखो। बाबा डूब जाओगे, तैरना आता है? ये है भाई यहाँ पर बाबा लोग भी नहा रहे हैं भाई, देखो ये बाबा लोग, देखो
बाबा भी चलेंगे। देखो कैसे तैर रहा है भाई बाबा, ये देखो इस तरीके से यहाँ पर ये लोग नहा रहे हैं, इस तरीके से यहाँ पर पीने के पानी को यहाँ पर दूषित किया जा रहा है। अभी मैं थोड़ा और आगे चल के और दिखाता हूँ यहाँ पर कि यहाँ पर ये लोग कपड़े भी धो रहे हैं, पूरा सरफ का पानी, गंदा पानी वो भी है यहाँ पर। आ चुका हूँ और यहाँ का अतिक्रमण दिखा देता हूँ। मैं काठगोदाम रेलवे स्टेशन के अंतिम छोर पर हूँ और यहाँ का ये देखिए, ये है भाई अतिक्रमण, पक्के घर है भाई, पक्के घर। ये देखो, ये देखो, ये है नजारे यहाँ के। और कुछ लोग यहाँ पर धो रहे हैं कपड़े, ये देखो, ये देखो भाई इतना गंदगी मचा रहे हैं ये लोग। ये देखो यहाँ पर क्यों धो रहे हो भाई कपड़े, क्यों धो रहे हो यहाँ पर, यहाँ पर कपड़े क्यों धो रहे हो तुम? तुम्हें पता है ये पीने का पानी है, हल्द्वानी की जनता इसको पीती है, और तुम लोग यहाँ पर कपड़े धो रहे हो, साइड में निकाल के साइड में धोओ ना कपड़े। कहाँ रहते हो आप लोग, आप लोग कहाँ रहते हो, यहीं पर रहते हो? तो यार बाल्टी से किसी चीज से निकाल के साइड में धोओ ना कपड़े। देखो आप इतनी, ये देखो कचरा है, इतना गंदा है, ये तो पानी पीते हैं ना लोग, ये फिल्टर होता है पानी फिर पीते हैं लोग, है ना। देखो पानी की इतनी कमी है अभी और तुम लोग इतना गंदगी मचा रहे हो यहाँ पर, क्यों धो रहे हो यहाँ पर कपड़े? कहाँ रहते हो आप लोग, आप लोग कहाँ रहते हो मैडम? स्टेशन कौन सा, काठगोदाम का? देखिए यार गाइस, ये है भाई यहाँ के नजारे। पानी की अभी बहुत समस्या है हल्द्वानी में, कितनी दिक्कत है पानी की। यहाँ पर लोग धरने पे बैठ रहे हैं, पीने तक के लिए पानी नहीं है, आंदोलन कर रहे हैं लोग, हैं सरकार को कोस रहे हैं कि पानी नहीं है, पानी नहीं है, है ना। कितनी दिक्कतें हो रही है यहाँ पर शहर में, गर्मी एकदम 40 से 45 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर हल्द्वानी का इस समय तापमान है। पानी काफी है पानी यहाँ पर, ऐसा नहीं कि पानी नहीं है, मगर ये पानी कहाँ जा रहा है, फिर भी कम पड़ रहा है ये पानी। देख रहे हो कंटिन्यू यहाँ पर इतना पानी बह रहा है। अभी मैं एकदम नीचे चल के यहाँ पर इनसे बातें करेंगे कि भाई ये लोग कहाँ से हैं और यहाँ पर इस तरीके से कपड़े धो रहे हैं। कहाँ स्टेशन, कहाँ रहते हो आप लोग, कौन सा स्टेशन में रहते हो? काठगोदाम के? हल्द्वानी से यहाँ आई हो? क्या करे पानी है नहीं, तो पानी तो नीचे गोला में भी है ही, वहाँ से टब से निकाल के धोते साइड में। वहाँ रास्ता नहीं जाने का, क्यों नहीं है वहाँ, यहाँ पर तो कितना रास्ता है नीचे जाने को, वहाँ काम चल रहा है। ऊपर ऊपर इसके नीचे ही, यहाँ से नीचे कोई, यहाँ तो कितना पानी है, निकाल के आप वहाँ धोइए ना। देखो यहाँ पर इस तरीके से इतने सारे कपड़े लाए हैं ये लोग, आप इसमें नहर में मत डालना फिर ये गंदा पानी, हाँ नहर से निकालो आप, मगर यहाँ से कैसे निकालोगे पानी? अच्छा तो पानी तो वहाँ भी है नजदीक में, इतना दूर आए हो आप, हैं है वहाँ पानी, मैं दिखाता हूँ आपको इसके नीचे कितना पानी है, यहाँ से रास्ता है नीचे जाने का, तो इसमें मत डालना है सरफ का पानी। देखो आप उसको पूरा सरफ का गंदगी जो है ना वो सब नीचे जा रहा है उसमें। देखो यहाँ से इधर को कह रही है आप, क्योंकि लोग पीते हैं इस पानी को, हल्द्वानी में पानी पीते हैं, ये फिल्टर होने जाता है, ऐसे इस तरीके से आप इतना गंदा करोगे तो कैसे पियेंगे बताइए। ये साइड को फेंकिए इसे खाली जगह पे, है ना, दोबारा वहां नीचे धोना आप, हाँ पानी की बहुत दिक्कत है अभी, इतना गंदा मत करो पी। यहाँ नीचे ना, यहाँ पर है पानी है, रास्ता है, वहां जा सकते हो आप, वहां निकाल के धो सकते हो बजरी बालू में, वो पीने के लिए नहीं जाता है पानी, ये पानी पीने के लिए जाता है, इसको दूषित नहीं करना चाहिए। ठीक है बेटा, समझ गया है, चलान करवा देंगे तेरा। कौन आता है यहाँ पर, आपका क्या नाम है, क्या नाम है आपका बताइए आप, आप यहाँ पर रहते हो, ये घर है आपका? हाँ, केनाल में रहते हैं। ये आपका लड़का है वो जो नीचे नहा रहा है? नाती है मेरा। अच्छा नाती है ना, तो यहाँ पर आपको पता है ये हल्द्वानी को ये पानी पीते हैं, सब पीते हैं पानी, और हल्द्वानी में ही पीते हैं, हाँ तो यहाँ पर इस तरीके से ऐसे नहाना नहीं चाहिए, है ना, सरकार ने उसे भी मना कर रखा है, बहुत सारे लोगों को वीडियो कैमरा लगाने दिए ना, बहुत सारे लोगों का चालान भी हुआ है, बहुत सारे डूब भी गए हैं, है ना, अभी पानी की कमी है, हल्द्वानी की जनता इसको पीती है, और इसमें इस तरीके से गंदगी करोगे, ये कपड़े धोगे सरफ का पानी, कैसे पियेंगे बताइए? फिर आप पियोगे इस पानी को? पी तो रहे क्या? नहीं नहीं सरफ वाला पानी को पियोगे? पिए है फिर, पिए है ठीक है, इसके पीछे इसके इसके पीछे जो नदी है वहाँ धो सकते हो, तो पानी है ही ना, पानी तो है ही ना, है नहीं है पानी बताइए आप, बाल्टी से निकाल के धो सकते हैं गोला में? अब मैं वही बोल रहा हूँ, मैं अच्छे के लिए बोल रहा हूँ आपको, आपको बुरा लग रहा होगा मगर, हाँ हाँ इस तरीके से आप मना करिए इनको, जितना भी यहाँ पर अगर कोई कपड़ा धोता है, कोई गंदगी करता है, उनको मना करिए, 100 नंबर पर आप डायल करिए, पुलिस को बुलाइए आप, उनके चालान होंगे। नहीं 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 चालान है, अभी चालान है सख्त, है ना, जो नहीं मानेगा 100 नंबर पर कॉल करो, पुलिस को बुलाइए और सारों का चालान करवाइए यहाँ पर, जितने भी ये पीने के पानी को गंदा कर रहे हैं और यहाँ पर नहा रहे हैं ये लोग, ठीक है।
बाहर के आते हैं, बाहर के भरे जो भी आते हैं, नहीं होना चाहिए ये, पीने का पानी है, स्वच्छ रहना चाहिए पानी को, ठीक है। तो हम भी कहते हैं ये सब दुनिया पीती है, हल्द्वानी पूरा पीती है, कार्डाम पीती है, फिर हम लोग पीते हैं, मैं पीता हूँ इस पानी को, मगर इसको फिल्टर करना पड़ता है, इतना गंदा होता है, है ना। अगर साफ रहेगा तो फिल्टर और अच्छा मिलेगा हमको, है ना। कितने साल से रह रहे हैं आप यहाँ पर? हमारे घर से ही हो गया। अच्छा, जमाना हो गया, कोई हटाने वाला नहीं है? नहीं, हमारे पति कुछ कर देंगे। अच्छा अच्छा, किसी की हिम्मत है ये हटा देगा यहाँ से? कोई नहीं हटा पाएगा, है ना। रिटायर हो गए हमारे, वही तो कह रहा हूँ, किसी की हिम्मत नहीं रही हटा पाएगा ना। लोग ऐसे कह रहे हैं कमेंट में, कह रहे किसी की हिम्मत नहीं भाई ये कॉलोनी हटाने की। क्या पता सरकार का चीज है भाई, जब भी कहता है वो हटा सकता है। कितने साल हो गए आपको यहाँ? कहाँ के हो आप रहने वाले वैसे? नेपाल के रहने? अरे बाबा, तो इंडिया बढ़िया कर दिया यार, काठगोदाम से, है ना, तरक्की कर दी आप लोगों ने, है ना। सर्विस करते हैं। कितना हो रहा है फिर? गर्म गर्म तो बहुत है यार। क्यों नहा लो फिर? पानी यहीं पर है, बाल्टी से निकालो। नल पे है, नल लगा रखा बहू ने, नीचे लड़के ने लगा रखा अपना। चलो ठीक है, धन्यवाद। तो ध्यान दीजिए आंटी। हाँ तो गाइस, ये हाल है यहाँ के, आपने देखा ही होगा, काफी गर्मी है। इस गर्मी में मैं वीडियोस बना रहा हूँ सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि यहाँ पर किस तरह से हो रहा है। कुछ यहाँ पर बहुत गलत हो रहा है, गलत तो क्या, सभी गलती है ना, सिर्फ मेरा दिखाना है। वीडियो समाप्त करते हैं, अभी मिलते हैं नए वीडियोस के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज्यादा शेयर करें, चैनल में नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब फॉलो जरूर करिएगा। मिलते हैं तब तक काठगोदाम के, जो नहर वाला एरिया है, गोल्ड टंकी और कॉल्टेक्स बस्ती, सारा कुछ यहीं पड़ता है, वहां से बाय बाय करते हैं। कमेंट जरूर करना नेक्स्ट वीडियो आपको किस तरह की चाहिए, कैसा चाहिए, सारा कुछ बताना। जो अच्छे कमेंट कर रहे हैं उनके लिए दिल से धन्यवाद, जो बुरे कमेंट कर रहे हैं उनको भी धन्यवाद। देखो ठीक है, अच्छे से कमेंट करिए, वीडियो शेयर करना ज्यादा ज्यादा, ठीक है, ताकि यहाँ पर हल्द्वानी का विकास हो सके, बढ़िया हो सके। आपको सारी जानकारियां यहाँ से मैं एक्यूरेट दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।